सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज का तो मैं स्वागत है सभी नए वीडियो में। आज मैं लेकर बहुत से सर्वे न्यूज़ शर्मा सॉफ्ट सर्वे न्यूज़ की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज की पहली न्यूज़ एप्पल की तरफ से, एप्पल मैकबुक एयर 2018 जो कि आ रहा है कुछ कमाल के साथ, कुछ धमाल के साथ। तो देखते हैं कैसा रहता है ये टैबलेट, तो कहेंगे नहीं हम इसको लैपटॉप ही कहेंगे एक तरह का, मगर ये पूरा लैपटॉप ही नहीं, क्योंकि काफ़ी स्लिम है ये, जैसे मैकबुक एयर पिछले वाली थी उस मुकाबले में। और USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा आपको, थंडरबोल्ट पोर्ट मिलेगा, 16GB रैम मिलेगी, प्रोसेसर देखते कौन सा बढ़िया लगा देगा इस बार ये जो शोर से। तो देखते कैसा रहता है ये। प्राइसिंग उसकी बैठी है अगर देखा जाए तो 1,14,900, जो पुराने वाली थी वो 55,900 की हो गई है, पहले 60-68 कुछ के अराउंड थी। तो वेट उसका कुछ ज़्यादा नहीं होता, मगर स्लिम में मज़ा ही आ जाता है। और काफ़ी अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ों की बात करें, प्रोसेसर मेरे हिसाब से, मेरे को जितना लगता है 8th generation होगा i5 प्रोसेसर, शायद i7 या i5 जितना मुझे लगता है। बाकी फिर भी देखते हैं क्या देता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बता कमेंट में आपको कैसे लगता है इसके बारे में सुनते हैं। तो अगली आ रही है हाँ नोबल सिकी 2 की तरफ से, जो कि लेके आया 32 इंच HD LED TV, मतलब MI का भी है वैसे, एक और कंपनी को लाने की क्या ज़रूरत थी। मगर अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इसकी है 9,999, मगर MI की 14,000 कुछ की है, वो है स्मार्ट। तो इस मुकाबले में ये चलने वाली है या नहीं, देखते क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बताया कमेंट में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। और देखते कैसी रहती है ये, इंडिया में चलती है नहीं, क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। अगली आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से, व्हाट्सएप में आएगा एक अपडेट, अपडेट में होगा नया फीचर, नए फीचर में होगा प्राइवेट मैसेजिंग। तो देखते कैसे रहती है प्राइवेट मैसेजिंग, जैसे हाइक की होती थी वैसी ही टाइप की कुछ होगी। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बता कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा इसके बारे में सुन के। क्या आपको मतलब अच्छा लगता है ये जो मतलब एक थोड़ा नया ही तरीके का वो आ गया, देखते कैसा रहता है कैसा नहीं, मेरे को जरूर बता कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा इसके बारे में सुन के। बस वेट करें, अब तो अपडेट्स आते रहते हैं, देखते क्या रहता है क्या नहीं। तो अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ वीवो की तरफ से, वीवो Y93 जो कि आ रहा है 6.2 इंच डिस्प्ले के साथ, 4GB रैम, स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर चलो नया आज तक मतलब ये यूज़ ज़्यादा नहीं हुआ, और क्लॉक स्पीड वगैरह भी ठीक ठाक है इसकी, देखते कैसा रहता है ये। आप मेरे को जो बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। पहली बार यूज़ करेंगे आप किसी स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मोस्टली तो 450 चलता है या 425, देखते क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। तो अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ आईबॉल की तरफ से, आईबॉल फैंटम SSD लेके आया है 480GB की। तो देखते कैसे रहते हैं ये, काफ़ी मतलब कह रहे बहुत बढ़िया होगी, टर्बो बूस्ट होगी टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब 10 times फास्टर होगी और बूट टाइम भी इसका काफ़ी फास्ट होगा। तो देखते क्या रहता है सच में इतनी फास्ट होगी या नहीं होगी, देखते क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बताया कमेंट में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। क्या वेट कर रहे हैं किसी ऐसे SSD का, मतलब फास्ट हो एकदम से, आपको मज़ा आ जाए कंप्यूटर चलाने में, बंद करने में और बाकी चीज़ें भी जो कॉपिंग वगैरह डाटा उसमें भी। तो आज की लास्ट न्यूज़ आ रही है यहाँ एप्पल की तरफ से, एप्पल मैक मिनी 2018
जो कि आ रहा है बहुत जल्द ही। तो देखते कैसा रहता है, क्या प्राइसिंग बैठती है इसकी। 7 नवंबर को होगा इसकी सेल स्टार्ट US में, तो इंडिया में भी अवेलेबल सेम डे पे होगा। अगर वहाँ के प्राइसिंग हिसाब से देखा जाए तो 58 कुछ का पड़ता है, मगर इंडिया की प्राइसिंग की पहले की बात है 75,900 कुछ का पड़ेगा। तो देखते कैसा रहता है ये। और स्टोरेज के मामले में तो SSD होगी इसके अंदर, प्रोसेसर देखते कौन सा लगाते हैं, कोई बढ़िया दमदार ही लगा होगा। अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से i5 होना चाहिए, मगर अगर कह रहे हैं जैसे इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताया गया है तो i3 प्रोसेसर होगा 8 GB रैम के साथ और 128 GB स्टोरेज विद SSD, मतलब SSD स्टोरेज ही होगी। तो देखते क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बताया कमेंट में आपको इसके बारे में सुन के। तो आज के लिए इतनी, अगले बार मिलेंगे और अच्छी वीडियो और अच्छी न्यूज़ और अच्छी माची। तो चलता हूँ मैं, टाटा बाय बाय एंड सायोनारा। इस तरह लेके आता हुआ आप सभी के लिए नई फ्रेश न्यूज़। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।